हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी एकदम आसान ट्रिक से, बिना गाजर को घिसे हुए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैंने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर ली है, 1 गिलास दूध लिया है, 200 ग्राम चीनी ली है, 100 ग्राम मावा लिया है, 3 चम्मच घी लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, और 4 से 5 इलायची का पाउडर लिया है। अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने अपनी गाजरों को अच्छे से धोकर छील लिया है, टॉप और बॉटम को मैंने काट दिया है, देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा। और अब मैं इनको घिसने की बजाय मैं इनको कट कर लेती हूँ, देखिए इस टाइप के टुकड़ों में कितना इजीली कट हो रहा है। इसी तरीके से मैंने सारी गाजरों को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने सारी गाजरों को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और मैं इसमें लगभग आधा घी डालूंगी, आधे से थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा घी मैंने बाद के लिए बचा लिया है। देखिए हमारा घी मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमारा घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें सारी गाजरों को डाल देंगे। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसको लेट लगाकर बिल्कुल स्लो गैस पे हीट पर 1 सीटी आने तक रखूंगी। जब मेरे कुकर में सीटी आ रही है तब तक मैं अपने मावे को थोड़ा सा भून लेती हूँ। देखिए इसमें खुशबू आ जाती है भूनने से। मावा ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, जरा अदरवाइज आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें दूध का भी यूज़ किया है तो ये ऑप्शनल है। बस मावा डालने से थोड़ा सा जो हलवे का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, उसमें जो लुक है वो रिच लुक आ जाता है। देखिए हमारा मावा भून चुका है, उसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा प्रेशर कुकर में सीटी भी आ चुकी है और इसका प्रेशर भी निकल चुका है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया हुआ है। मैं आपको इसको चला के देखिए कितने अच्छे से गल चुका है हमारा गाजर। अब हम इसको दोबारा हीट पर रख देंगे। मैंने इसको मैश करने के लिए जो हमारा पाव भाजी मैशर होता है ना, जिससे हम पाव भाजी को मैश करते हैं, वो ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच का पीछे के साइड से भी इसको मैश कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली मैश हो गया है ये। इस टाइम हमको हीट फुल ही रखना है, हमारी गैस का जो फ्लेम है वो फुल रखना है हमको। आप चाहे तो चम्मच के जो पीछे के साइड से होता है उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसको पकाएंगे। इस टाइम हमको हीट फुल ही रखना है ताकि दूध हमारा जल्दी से पक जाए। अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे।
क्योंकि मैंने रेड गाजर ली थी, रेड गाजर की अपनी अलग स्वीटनेस होती है, इसलिए इसमें चीनी कम लगती है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी और चीनी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से चलाते हुए फुल गैस पर, नहीं तो हमारा नीचे से चिपक जाएगा। देखिए देखिए अब हमारा इसमें दूध और चीनी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसी टाइम पर इसमें जो हमने मावा लिया था वो डाल देंगे। हीट को मीडियम कर लेंगे इस टाइम पर। देखिए अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। पिस्ता मैंने थोड़ा सा बचा लिया बाद में गार्निश के लिए। देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम किसी हुई गाजर जैसा। अब जो मैंने घी बचा के रखा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ पूरा घी। और इलायची, और मैंने हीट को ऑफ कर दिया है। बस हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। याद रखिए घी हमें सबसे लास्ट में डालना है, घी और इलायची पाउडर पहले नहीं डालना है, क्योंकि घी की जो खुशबू होती है वो गैस बंद करने पर ही आती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। लग रहा है ना यमी और टेस्टी? तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।